बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीएससीए टीवी के साथ मैं हूं आजिल हसनात। नाज़रीन, समाजी तंजीम वाइस के वफ्द ने पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा किया। दौरे में उनको अथॉरिटी के डिफरेंट यूनिट्स बारे ब्रीफिंग दी गई है। आइए उनसे उनके ख्यालात जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन बुशरा खालिक, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम, ये बताइएगा कि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से वुमेन सेफ्टी ऐप की सूरत में ख्वातीन को फौरी मदद फ्राहम करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया, इस इकदाम पर आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने औरतों के इस दरीना मुतालबे को एक अमली इकदाम के ज़रिए जो है वो हल किया है। जिस तरह से वायलेंस या डिस्क्रिमिनेशन होती है समाज के अंदर, उसका सद्देबाब करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपके इस इनिशिएटिव को जो वीमन सेफ्टी ऐप की सूरत में आपने लॉन्च किया है। हमारे साथ मौजूद है समाजी कारकुन आमना अफसल, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने आज पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का विज़िट किया है और कैसा महसूस किया यहाँ के डिफरेंट यूनिट्स की वर्किंग बारे जान के? इससे पहले भी जैसे कि हम काम कर रहे होते हैं तो हमें भी यकीन होता है कि हम अपना बेहतर काम कर रहे हैं, तो इसी तरह अपने अदारों के बारे में भी यही यकीन था, लेकिन यहाँ आके ये यकीन और पुख्ता हुआ है कि जान के कि ये सारे अदारे इतना अच्छा काम करते हैं, तो जो हम जो ये रिस्पॉन्स है या जो भी ये काम करेंगे और मज़ीद बेहतर होगा। इस बात करते हैं एमन ज़मीर से, जो कि समाजी कारकुन हैं, उनसे पूछते हैं कि वुमेन सेफ्टी ऐप को अपने हल्के में किस तरह से मुतारिफ़ करवाएंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वुमेन सेफ्टी ऐप को मैं इस तरह से, मतलब मेरे पीयर ग्रुप हैं, उसके अलावा फैमिली में इनके साथ मैंने पहले भी शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, और जब ये इनिशियली आई थी तब भी मैंने डाउनलोड भी कर ली थी। उसके अलावा जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं चाहती हूँ वो भी कर लें, क्योंकि अभी ये जो यंग जनरेशन है, मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा खुद भी क्या कहते हैं सेंसिटाइज हों और दूसरों को भी करें। हमीदा साहब, ये बताइएगा कि वुमेन सेफ्टी ऐप की आगाही के लिए आप क्या क्या इकदाम करेंगे? मेरा हमेशा आना जाना होता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि समाजी कारकुन हूँ मैं, तो मेट्रो बस में या ऐसी जगह जहाँ खवातीन लड़कियाँ ज़्यादा हो, तो मैं उसको काफ़ी ज़्यादा ना डाउनलोड करवा रही हूँ। अगर किसी बच्ची के पास मोबाइल है तो मैं उसी टाइम डाउनलोड करवा देती हूँ। अगर किसी खवातीन वो सुनती हैं, जब उनको समझ आती है कि ये सही है, तो वो कहती हैं कि हमें बेटा लिख के दें, तो मैं उनको लिख कर दे देती हूँ कि ऐसे ऐसे आपने घर जाकर इसको ना अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। और आज मैं जब यहाँ पर आई हूँ तो बहुत मज़ीद अच्छे तरीके से मुझे पता चला कि और ज़्यादा किस तरीके से हम आगे ही फैला सकते हैं। तो मैंने यहाँ बैठ कर सोच लिया कि मैं शाहदरा से बिलोंग करती हूँ, तो मैं इंशाल्लाह ताला जो स्कूल है गर्ल्स स्कूल में जाके ये कही दूँगी। अभी बात करते हैं समाजी कारकुन नजमा से, उनसे पूछते हैं कि वुमेन सेफ्टी ऐप के बारे में उन्हें ब्रीफिंग दी गई है, कितनी मुफीद है ये खवातीन के लिए? सर, थैंक यू वेरी मच। आपने ये वुमेन सेफ्टी ऐप जो लॉन्च की है, इसके बारे में बहुत डिटेल ब्रीफ हमें दिया गया है, और मुझे लगता है कि ना सिर्फ ये ख़वातीन को बल्कि उनके जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको भी, उनके मोबाइल्स, क्योंकि आजकल हर बच्चे के पास मोबाइल है, उनके मोबाइल्स में ये वुमेन सेफ्टी ऐप हमें डाउनलोड करके देनी चाहिए, ताकि जो इतने केसेस बच्चों के भी आजकल रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें भी किसी हद तक कमी आए और उन बच्चों को भी अवेयरनेस मिले इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे साथ मौजूद है सोशल वर्कर आसिया, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने आज पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का विज़िट किया है, कैसा लगा यहाँ आकर आपको? प्यारा लगा और बहुत अच्छा, इतना अच्छा। हम इसकी तारीफ जितनी भी करें उतनी कम है, और हम ये कहते हैं कि इस लेडीज़ बच्चियों के लिए और जितनी भी हमारी खवातीन है घर में काम करने वाली, चाहे वो दफ्तर में काम करने वाली, उनके लिए इतनी अच्छी सेफ्टी हुकूमत ने बनाई है कि हम इतना कभी सोच नहीं सकते थे कि पहले भी कभी ऐसा हो। इस दौर में इस तरह ये हमें महसूस हुआ कि हमारी सेफ्टी बहुत अच्छी हुई है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सोशल वर्कर नबीला, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, यहाँ आप आई हैं विज़िट किया, क्या शेयर करेंगी हमसे आप? हमारा ज़्यादातर काम होता है फील्ड में, तो वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे हमारे साथ हादसे पेश आते हैं, जिससे बड़े मायूस होते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये जो आज मैंने आके देखा सारी सूरत हाल, तो मैं तो बहुत खुश हुई कि ये वीमेन है जो सेफ्टी ऐप हमने लोड की है, तो इससे मैं बहुत खुश हूँ, और बल्कि मैं अपने बहुत सारे साथियों को भी ये जाके करवाऊँगी कि ये इसे करें, इससे हमें बहुत सारा फ़ायदा होगा।